everyone, this is Pinky. Welcome or welcome back to my channel. If you're new to this channel, then please do subscribe to my channel. I will really appreciate that. So, आज होने वाली है एक huge footwear haul and in this haul I'm going to sell lots of like different variety of footwear. Like there is gym shoes, there is outdoor shoes, there is sneakers, there is loafers, there is slip-ons, there is slippers. Then शादी में पहनने वाली जूतियाँ, एथनिक फुटवेयर्स एंड देयर इज हील्स. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द मेन वीडियो. First pair of footwear is this one. This is a white sneaker from the brand Nike. I love this logo in this. मतलब white color के sneakers के ऊपर orange और black color में Nike लिखा हुआ है. ये सबसे ज़्यादा cool looks दे रहा है इसको. And the second thing which I like so much in this is this laces. मतलब इसको आपको properly बाकी shoes के तरह tie नहीं करना है. Just pull it. Wear it and just push it. बस हो गया, काम खत्म. और इसको मैंने अपने सारे ट्रायंस में पहन लिया है, तो मतलब जो भी मेरे पुराने वीडियो देख रहे होंगे तो ये सोच तो उन्होंने देखा ही होगा, क्योंकि हर जीन्स के ट्रायंस में मैंने नीचे यही स्नीकर्स पहना हुआ था. सो इसके फुटवेयर इतने मतलब कुशनी नहीं है, बट पहनने में कंफर्टेबल लगते हैं एंड सोल्स भी काफ़ी अच्छे हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसका प्राइस. मतलब इसका प्राइस नॉर्मली 3500 से 4500 के अंदर मतलब सफल करता रहता है, बट आई गॉट इट फॉर 1299 और मैंने इसको मिंत्रा सेल में लिया था. द नेक्स्ट पेयर ऑफ फुटवेयर इज़ दिस वन. सो दिस इज़ अ जिम शू. मैं ज़्यादा कभी जिम वगैरह जाती नहीं हूँ, बट हाँ घर में एक्सरसाइज करती हूँ एंड जिम शूज़ मतलब काफ़ी एक जान डाल देता है आप जब एक्सरसाइज करते हो, मतलब ज़्यादा करने का मन करता है. सो या दिस इज़ अगेन फ्रॉम द ब्रांड नाइकी एंड इसके सोल्स काफ़ी अच्छे हैं, लाइट हैं एंड इसका फुटवेयर भी काफ़ी कम्फर्ट है. मतलब थोड़ा कुछ नहीं है बट काफ़ी कम्फर्टेबल है एंड द मटेरियल इज़ वेरी गुड. मतलब क्लीन वगैरह करने के लिए काफ़ी ईजी रहेगा एंड जिम शूज तो काफ़ी मतलब जल्दी गंदे हो जाते हैं. एंड दिस इज़ लैवेंडर कलर. मतलब लैवेंडर कलर तो काफ़ी क्यूट सा कलर है, बट हाँ इस लाइट कलर में मतलब गंदे हो जाने के ज़्यादा चांस, मतलब जल्दी गंदे हो जाने के ज़्यादा चांस होते हैं, बट दैट्स ओके. इसको आप इजीली क्लीन भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल. एंड इसका भी प्राइस मुझे पड़ा था 1299, विच इज़ अगेन अ वेरी ग्रेट डील. और इसका प्राइस नॉर्मली वही 3000 से 4000 रहता है, बट मैंने जैसा आपको बोला कि मैं सेल में ली थी, तो दिस वाज अगेन फॉर 1299 एंड अगेन अ वेरी गुड डील. नेक्स्ट पेयर ऑफ फुटवेयर है दिस वन. सॉरी, ये जो वैन हुसैन के मतलब पैकेजिंग काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं. सो दिस इज़ अ पेयर ऑफ लोफर. सो दिस इज़ अ पेयर ऑफ लोफर एंड दिस इज़ डस्टी पिंक इन कलर. तो आई लव दिस कलर. मतलब काफ़ी यूनिक और ब्यूटीफुल सा कलर है जो किसी भी जीन्स पैंट के साथ, किसी भी डेनिम के साथ जाएगा. सो और इसके फुटवेयर काफ़ी कुशनी है, मतलब बहुत कुशनी है एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड वैन हुसैन. सो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे. मतलब ऐसे शूज़ आप मतलब ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं. मतलब ऑफिस पहनने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल शूज़ हैं. एक तो फॉर्मल जैसा लुक देते हैं और ऊपर से कूल क्लासी लुक भी देते हैं. सो यस, लोफर्स आर डेफिनेटली रिकमेंडेबल एंड इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 850 और 850 में ये शूज़ बहुत अच्छे हैं. इसकी क्वालिटी, इसकी कम्फर्टनेस, इसकी मटेरियल सारे ही बहुत अच्छे हैं. नेक्स्ट पेयर ऑफ फुटवेयर इज द स्लिपॉन्स. ये स्लिपन्स मुझे पहनना काफ़ी कंफर्टेबल लगता है. मतलब एक तो ये फ्लैट है एंड ये इतना ब्यूटीफुल क्यूट सा फुटवेयर है. सो दिस इज़ वाइट इन कलर. तो मुझे ड्रेसेस में जैसे वाइट कलर बहुत पसंद है, शूज़ और फुटवेयर में वाइट कलर सबसे ज़्यादा पसंद है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसके वाइट कलर के ऊपर पे ऐसे ब्राउन कलर के बोज बने हुए हैं जो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं एंड दिस इज़ अगेन फ्रॉम द ब्रांड वैन हुसैन. तो उसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं एंड इसके मटेरियल है सिंथेटिक एंड इसका फुटवेयर इतना कुशनी नहीं है, बट हाँ कम्फर्टेबल है. बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है, बट यस इट इज़ कम्फर्टेबल टू वेयर एंड वर्क.
सो इसके प्राइस मुझे पड़े थे अगेन 850. तो 850 में दिस इज अ वेरी गुड डील, मतलब काफ़ी अच्छा फुटवेयर है. और ये बहुत सारे ड्रेस के साथ जाएगा, जैसे कि लाइक वन पीस ड्रेसेस, कुछ कुछ जींस पैंट के साथ, कुछ क्यूट ड्रेसेस के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा. नेक्स्ट पेयर ऑफ फुटवेयर आर हील्स. तो हील्स पहनने का शौक सबको रहता है, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा हाइट देता है एंड काफ़ी अच्छा लुक देता है ओवरऑल. और ये हर ड्रेसेस के साथ जाता है, लाइक वन पीस हो, जीन्स हो, कुछ भी पहनो, इवन फॉर्मल्स में भी कुछ कुछ हील्स काफ़ी अच्छे लगते हैं. सो दिस आर डस्टी पिंक इन कलर, तो अगेन एक फेवरेट कलर है मेरा. एंड इसके ऐसे गोल्डन प्लेटिंग्स वगैरह हुए हैं साइड में, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इसको. एंड इसको मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, आई बॉट इट फ्रॉम खादिम्स, इट्स अ लोकल शॉप. एंड इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 1000. तो ये 1000 में हील्स आता ही है, और ये काफ़ी अच्छी हील है, और इसकी हाइट काफ़ी अच्छा है, मतलब 3.5 इंच के अराउंड है. तो मेरी हाइट नॉर्मली 5'5" है, एंड इसको पहनने के बाद मैं 5'8" 5.85 के अराउंड हो जाती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. एंड मेरी इसमें साइज़ है 40, बट ऑनलाइन में जो भी लेती हूँ उसमें मेरा सबका साइज़ 39 रहता है. अगर ज़ारा है देन 38, और बाकी मतलब आजियो या फिर मिंत्रा से जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मेरा हाइट मतलब साइज रहता है 39. सो या दैट्स अबाउट इट. और ये हील्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे. सो नेक्स्ट इज़ अ पेयर ऑफ आउटडोर शूज. तो ये शूज़ मुझे बहुत पसंद है, और इसकी हाइट मतलब पसंद होने की रीज़न है इसकी हाइट. इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी मतलब क्यूट कूल सा लुक देता है इसको पहनने के बाद. दिस इज़ अगेन वाइट इन कलर, क्योंकि वाइट मुझे बहुत पसंद है. सो इसको मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, आई बॉट इट फ्रॉम खादिम्स अगेन. तो ये प्रो जो ब्रांड है वो खादिम्स में मिलता है, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. एंड इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 1000. और इसके सोल बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइट हैं, एंड इसकी जो मतलब फुटवेयर है काफ़ी कुशनी है, मतलब एक मतलब काफ़ी लाइट सा शू है, एंड ऊपर से बहुत कंफर्टेबल है पहनने के लिए, मतलब. और इसको पहनने के बाद जो आपको शूज़ पहनने के बाद जो इतना अच्छा हाइट मिलता है, तो मतलब वो और ज़्यादा कंफर्टेबल और एक कॉन्फिडेंट सा लुक देता है. सो आई लव दिस शूज सो मच. सो इसकी प्राइस मैं बता चुकी हूँ, मुझे 1000 में दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड डील. नेक्स्ट पेयर ऑफ फुटवेयर इज़ अगेन फ्रॉम खादिम्स. सो दिस इज़ अ स्लीपर. ये काफ़ी क्यूट स्वीट सा पिंक कलर का स्लीपर है, मतलब रूम में पहनने के लिए या फिर घर में कहीं आसपास पहन के घूमने के लिए. सो इसके बारे में क्या बताऊँ, ये काफ़ी क्यूट है और काफ़ी सॉफ्ट है. इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 200. मतलब और भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स थे जो कि 500 के अराउंड थे जिसके प्राइस, बट हाँ घर में पहनने के लिए क्यों चाहिए इतना. सो 200 में ये काफ़ी अच्छा है. द नेक्स्ट पेयर ऑफ फुटवेयर आर फ्लैट्स. मतलब ये प्रॉपर फ्लैट नहीं है, इसमें थोड़े हील है 0.5 इंच के अराउंड. तो ये मैंने लिया है फॉर शादी या फिर मतलब इंडियन फंक्शन जो भी है, शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टीज़ नहीं, मतलब मैरिजेस हो, ऐसे कुछ इंडियन फंक्शंस के लिए या फिर रिलेटिंग टू दैट ओनली. तो ये उसमें पहनने के लिए काफ़ी अच्छा है, एंड इस ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मतलब सिंपल प्लेन एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है. एंड इसका ये पोर्शन मतलब काफ़ी बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है, मतलब दिख नहीं रहा है शायद, बट हाँ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड दिस इज़ फ्रॉम मेट्रो, आई बॉट इट फ्रॉम मेट्रो. तो मेट्रो की मतलब फुटवेयर्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए ये मुझे पड़ा था 2000 थोड़े कॉस्टली हैं, बट दैट्स ओके, मतलब कभी कभी तो पहनना है, और एक तो अच्छा चप्पल होना ही चाहिए. सो इट्स फुटवेयर वी हैव इज दिस वन. सो ये सबसे आई थिंक चीपेस्ट है. सो दिस इज़ लाइक 250 और 300 ये मुझे पड़ा था, एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड इसका लुक भी बहुत अच्छा है. आई लव दिस थिंग, मतलब बहुत अच्छा लगता है पैरों में ये. एंड ये मैं ली हूँ लाइक कभी भी आप सलवार वगैरह पहन रहे हो या फिर कुछ भी इंडियन कॉस्ट्यूम, मतलब शादी वादी के लिए नहीं, नॉर्मली अगर पहन रहे हो पूजा वूजा में या फिर ऐसे टाइप के फंक्शन में, तो ये आपको चाहिए ही होंगे.
एंड मतलब हम कभी भी कुछ लेते हैं ना तो एक गोल्ड में लेते हैं, एक सिल्वर में लेते हैं, जो कि कंपलसरी है। मतलब बैग के वीडियो में मैंने दिखाया है, एक गोल्डन बैग ली थी मैं और एक सिल्वर बैग भी ली थी, बट चप्पलों में मैंने सिल्वर नहीं लिया, मैंने ग्रे लिया है। तो आई लव दिस ग्रे कलर, मतलब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, यहीं पे ही मेरा फुटवेयर हॉल ख़त्म हो जाता है। एंड आई डोंट नो व्हाई बट माय डॉग्स आर बार्किंग क्रेजीली, पता नहीं उनको क्या हो गया है। सो या, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड यू कैन कॉमेंट डाउन एनी थिंग, लाइक यू वॉन्ट टू सजेस्ट एनी थिंग देन प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो या, दैट्स इट, थैंक यू, बाय।